नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जेस्ट मनी का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना सिखाऊंगा। दोस्तों बहुत दिनों के बाद में यहाँ पर जो है कि अभी अपडेट आ चुका है, अब हमें जो है कि जेस्ट मनी का यहाँ पर ऑप्शन मिल चुका है। अब यहाँ पर हम जो है बहुत आसानी से जेस्ट मनी का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको भी किस प्रकार करना है दो तरीके में बताऊंगा, दोनों तरीके से आप जो कि कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी ये जेस्ट मनी का आपकी लिमिट है, तो मेरे पास में कहा अभी तो यहाँ पर जेस्ट मनी की लिमिट नहीं है। मैंने जो लिमिट थी मेरी वो मैंने यहाँ पर जो कि परमानेंटली क्लोज करवा दी है, ताकि मेरे सिविल स्कोर पर इम्पेक्ट ना करे इस वजह से। तो यहाँ पर अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, आप जो कि तरीका यहाँ पर देखिए अच्छे से। दोस्तों जो तरीका है उस तरीके का नाम यहाँ पर कैश फ्री पेमेंट गेटवे, ठीक है। कैश फ्री में यहाँ पर जो जेस्ट मनी अभी अवेलेबल हो चुका है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैश फ्री की वेबसाइट है, और यहाँ पर उन्होंने अपडेट कर दिया है कि जेस्ट मनी यहाँ पर जो कि अवेलेबल हो चुका है। तो यहाँ पर आपका अकाउंट नहीं है इसमें, तो सिंपली अकाउंट बनाइए, अभी ऑनबोर्डिंग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आप जो कि इसमें अगर ऑलरेडी आपका है इसमें, तो आप जो कि यहाँ पर बहुत आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो एक ही अब करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको लिंक वगैरह क्रिएट कर लेनी है। केवाईसी किस प्रकार करनी है, केवाईसी आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट बना लेना, यूट्यूब पर वीडियो देख के देन आप जो है कि यहाँ पर केवाईसी अपडेट हो जाएगी आपकी, आपका अकाउंट अप्रूवल में हो जाएगा। देन आपको जो है कि यहाँ पर जेस्ट मनी का पैसा, यहाँ पर जेस्ट मनी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पे लेटर में अभी इतने सारे यहाँ पर अवेलेबल है, ई पे लेटर, ओला मनी, जेस्ट मनी वगैरह भी यहाँ पर जो है कि अवेलेबल हो चुका है। तो चलो मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ अब आपको। तो यहाँ पर कैश फ्री का आपका जो है कि लिंक क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर आपको टेंशन ना लीजिए, आपके पास में अकाउंट नहीं है कैश फ्री का, तो आप फिर भी दूसरा मैं तरीका बताऊंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर सिंपली आपको जो पेमेंट लिखना है, कितना पेमेंट आपको जो है कि निकालना है वो वाला, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिखना है जो जेस्ट मनी में है, ईमेल आईडी, आप जो है कि ये एड्रेस वगैरह सब कुछ फिल कर देना। चलो मैं ये सब कुछ फिल करके नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। आपको सिंपली नीचे पे सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। सिंपली सब कुछ फिल करने के बाद में आपको पे सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने जो है कि बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इधर की साइड आपको जो है ऑफर भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है कि सबसे पहले मैं आपको ईएमआई में दिखा देता हूँ, ईएमआई में यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पर डेबिट कार्ड से भी आप करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड ईएमआई भी अवेलेबल है, ठीक है। अब जो है कि मैं आपको बताता हूँ, आप जो है आप करना क्या, पे लेटर पर क्लिक करना है। पे लेटर पर क्लिक करने के बाद में आपको जो कि प्रोसीड पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। आपको जो है आपकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपका जो मोबाइल नंबर यहाँ पर जेस्ट मनी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं अभी मेरा मोबाइल नंबर जो है कि यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो आपको जो है कि यहाँ पर आपका जेस्ट मनी में अगर मोबाइल नंबर रहेंगे, तो आपको यहाँ पर जो है कि ये ऑप्शन है वो इनेबल देखने को मिल जाएगा, और जो है कि यहाँ पर लेजी पे भी अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जो है कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, और यहाँ पर कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हमारा जो है कि बंद है, बट यहाँ पर हमें अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बंद कर रखा है हमने, थोड़ा सा वेट करते हैं, देन जो है कि यहाँ पर आप निकाल देंगे आपके पैसे भी सेफली, ठीक है। तो यहाँ पर जेस्ट मनी का आप देख सकते हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ से मिल चुका है। इसमें आपको जो कैश फ्री में ये ऑप्शन मिल चुका है, अगर आप कैश फ्री का आपका अकाउंट है, तो आप जो उसमें जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, आपको जो जेस्ट मनी का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से आपको जो जेस्ट मनी का पैसा निकालना है, अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका है दोस्तों यहाँ पर जो है कि स्टोर, ठीक है। जेस्ट मनी में आपको जो है कि यहाँ जाना है, किसी भी आपके पास में जो भी नज़दीकी स्टोर है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो मिंत्रा पे आप जो है कि शॉपिंग कर सकते हैं, किसी फ्रेंड को शॉपिंग करना तो वो आपको जो है कि यहाँ पर उनसे आप पैसे ले लेना। रिलायंस डिजिटल है, उसके बाद में बोट पर भी अवेलेबल है, ठीक है। मेक माई ट्रिप पर अवेलेबल है, इजी एज माई ट्रिप पर भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको जो करना क्या है, अगर आपके पास में क्रोमा का पास में नज़दीकी में क्रोमा का स्टोर है या फिर रिलायंस जियो का स्टोर है, ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, आपको जो है कि वहाँ से पेमेंट निकला देना, उनसे बोल देना कि हमें जो है जेस्ट मनी का पैसा निकाल दो, आप जो है कि आपका कमीशन ले लेना, आपको वो पैसा निकाल के दे देंगे और आपका सेफली काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि जेस्ट मनी का पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जो जाना, आप जो है कि हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, फ्यूचर में हम जो है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे।